नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K10 versus Tecno Pop 6 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo K10 में 6.47 इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Oppo K10 में 2.98 इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo K10 में 0.33 इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo K10 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo K10 में 6.59 इंचेस जबकि Tecno Pop 6 Pro में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo K10 में 1080x2412 और Tecno Pop 6 Pro में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo K10 में 84.25% जबकि Tecno Pop 6 Pro में 82.74% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo K10 में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Tecno Pop 6 Pro में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Oppo K10 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Tecno Pop 6 Pro की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo K10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Tecno Pop 6 Pro की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo K10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Tecno Pop 6 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo K10 में Adreno 610 जबकि Tecno Pop 6 Pro में Powerwall GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo K10 में Qualcomm Snapdragon 680 और Tecno Pop 6 Pro में MediaTek Helio मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Tecno Pop 6 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Tecno Pop 6 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo K10 में Android V11 जबकि Tecno Pop 6 Pro में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस
8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें टेक्नोपॉप 6 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 2 गीगाबाइट रैम 32 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 8,900 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो K10 में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नोपॉप 6 प्रो की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में ओप्पो K10 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो K10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा लावा अग्नि 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।